आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे यूरोप के अंदर मौजूद कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए काफी बेस्ट मानी जाती है, और इन कंट्रीज के अंदर जाकर काम करने पर आपको काफी अच्छी सैलरी इन कंट्रीज के अंदर मिलती है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आपको इन कंट्रीज के अंदर कौन से सेक्टर में जाकर काम करना चाहिए और उसके बदले में आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यूरोप के अंदर मौजूद कुछ ऐसी बेस्ट कंट्रीज के बारे में जहां पर आपको एक डाइवर्स कल्चर के साथ साथ एक स्ट्रांग इकोनॉमी भी देखने को मिलती है, और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए ये सभी कंट्रीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 10, बेल्जियम। यूरोपीय यूनियन के अंदर आने वाली बेल्जियम कंट्री आज के समय इंडियन प्रोफेशनल के लिए काफी बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इस देश के अंदर आप करीब 40,000 से लेकर 60,000 यूरो पर ईयर कमा सकते हैं, जो इंडियन करेंसी में करीब 35 लाख से लेकर 52 लाख तक की अमाउंट बनती है। इसके साथ ही बेल्जियम आपको काफी अच्छा वर्क एनवायरनमेंट और एक मल्टीकल्चरल लाइफस्टाइल स्पेंड करने का मौका देता है। आज के समय बेल्जियम कंट्री के अंदर बैंकिंग, लॉ, मीडिया, रिटेल और टूरिज्म आज के समय काफी पॉपुलर सेक्टर माने जाते हैं, जिनके अंदर काम करने वाले लोग काफी अच्छे पैसे यहाँ पर कमाते हैं। स्पेन देश भी आज के समय इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए काफी बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर इंडियन प्रोफेशनल्स एवरेज सैलरी के रूप में करीब 30,000 से लेकर 50,000 यूरो पर ईयर कमा सकते हैं, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 26 लाख से लेकर 44 लाख तक जाती है। इस ब्यूटीफुल कंट्री के अंदर आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी और टूरिज्म सेक्टर के अंदर मिलती है। आप इन दोनों सेक्टर के अंदर जाकर काफी अच्छी सैलरी ले सकते हैं। साथ ही स्पेन के अंदर केयर वर्कर, कंप्यूटर इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, आईटी सिक्योरिटी और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जाकर काम करने पर भी काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। नंबर 8, फ्रांस। पुराने समय से ही फ्रांस देश अपने आर्ट, कल्चर और अपने इंडस्ट्रीज की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इंडियन प्रोफेशनल्स इस कंट्री के अंदर जाकर करीब 40,000 यूरो से लेकर 60,000 यूरो पर ईयर कमा सकते हैं, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 35 लाख से लेकर 52 लाख तक होती है, और इतने पैसे आपके लिए इस कंट्री के अंदर काफी सफिशियंट है। आज के समय फ्रेंच वर्क कल्चर दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है, और इस कंट्री के अंदर एक रिच लाइफस्टाइल भी स्पेंड करने को मिल जाती है। जब बात की जाती है कुछ ऐसे पॉपुलर सेक्टर की जहां पर सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है, तो फ्रांस के अंदर ट्रैवल, रिटेल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कुछ ऐसे पॉपुलर सेक्टर माने जाते हैं जहां पर आप काफी आसानी से काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 7, फिनलैंड। दोस्तों, जिन लोगों को एक नॉर्डिक कंट्री की तलाश है, उनके लिए फिनलैंड देश एक काफी बेस्ट ऑप्शन है। इंडियन प्रोफेशनल इस कंट्री में करीब 40,000 से लेकर 60,000 यूरो तक की सैलरी पर ईयर ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 35 लाख से लेकर 52 लाख तक की होती है। इतने पैसे आपको इस कंट्री में काफी आसानी से मिल जाते हैं। फिनलैंड देश अपने इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट की वजह से भी काफी लोगों को पसंद आता है, और इस कंट्री के अंदर काफी आसानी से लोग अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करते हैं। इस कंट्री के अंदर मौजूद ज्यादातर कंपनीज के अंदर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जो इंडियन प्रोफेशनल को काफी ज्यादा पसंद आता है। इस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर और अकाउंटेंट्स को दिए जाते हैं। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर के अंदर जाकर काम करने वाले लोगों को भी काफी अच्छे पैसे इस कंट्री में मिलते हैं। नंबर 6, पुर्तगाल। पुर्तगाल एक ऐसा देश है जहां पर आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जब बात होती है एक अफोर्डेबल और एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल की, तो उसके अंदर भी पुर्तगाल देश को काफी पसंद किया जाता है। इंडियन प्रोफेशनल्स इस कंट्री के अंदर करीब 20,000 से लेकर 40,000 यूरो पर ईयर काफी आसानी से कमा सकते हैं, और इसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 17 लाख से लेकर 35 लाख तक आती है। यहाँ पर मौजूद सर्विस सेक्टर में काम करते हुए आप इतने पैसे काफी आसानी से कमा सकते हैं। साथ ही जो लोग किसी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी पुर्तगाल देश एक बेस्ट ऑप्शन है।
टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे पैसे इस कंट्री में मिलते हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारी टेक कंपनीज ने भी इस कंट्री के अंदर अपने ऑफिसेज को ओपन किया है और काफ़ी सारे इंडियन आईटी प्रोफेशनल भी इस कंट्री में अब जाते हैं। नंबर 5, नेदरलैंड। नेदरलैंड कंट्री एक काफ़ी पॉपुलर डच कंट्री के रूप में देखी जाती है और इंडियन प्रोफेशनल्स इस कंट्री में एवरेज सैलरी के रूप में करीब 40,000 से लेकर 60,000 यूरो तक की एक काफ़ी बड़ी सैलरी इस कंट्री में ले सकते हैं और इस अमाउंट को आज के समय इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पर इसकी कीमत करीब 35 लाख से लेकर 52 लाख तक होती है और इतने पैसे आपको हर साल इस कंट्री के अंदर काम करने पर मिल जाते हैं। नेदरलैंड कंट्री के अंदर मौजूद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज सर्विस सेक्टर, बिजनेस सपोर्ट और रिटेल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इन सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों को काफ़ी अच्छे पैसे इस कंट्री में मिल जाते हैं। नंबर 4, स्वीडन। दोस्तों, अगर आपको एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्पेंड करना है और साथ ही आपको एक काफ़ी अच्छी सैलरी चाहिए तो उस कंडीशन में स्वीडन देश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इंडियन प्रोफेशनल्स इस कंट्री के अंदर करीब 40,000 यूरो से लेकर 60,000 यूरो तक की एक काफ़ी बड़ी सैलरी काफ़ी आसानी से इस कंट्री में ले सकते हैं। साथ ही ये देश आपको काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी प्रोवाइड कराता है। वैसे तो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर ही आती है, पर पिछले कुछ ईयर्स के अंदर इस कंट्री की रिटेल और हेल्थ केयर सेक्टर ने भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स विदेशी नागरिकों को दी है और करीब 35 लाख से लेकर 52 लाख इंडियन रुपीस आप इस कंट्री के अंदर हर साल कमा सकते हैं और एक काफ़ी बेहतरीन लाइफ इस कंट्री में स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 3, आयरलैंड। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जिन लोगों को भी जाकर काम करना है उनके लिए आयरलैंड कंट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पर इन सेक्टर के अंदर काम करने पर 40,000 यूरो से लेकर 60,000 यूरो पर ईयर दिए जाते हैं, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 35 लाख से लेकर 52 लाख तक होती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज देखने को मिलती है जिसके अंदर जॉब करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के बाद इस कंट्री में सबसे ज़्यादा पैसे आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर के अंदर मिलते हैं, तो जिन लोगों को भी इन दोनों सेक्टर के अंदर भी जाकर काम करना है उनके लिए ये देश सबसे बेस्ट ऑप्शन है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे इस कंट्री में मिलने वाले हैं। नंबर 2, स्विट्ज़रलैंड। अपने एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम और एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए स्विट्ज़रलैंड कंट्री को काफ़ी ज़्यादा विदेशी नागरिक पसंद करते हैं। साथ ही ये देश इसलिए भी काफ़ी पसंद की जाती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैलरी दी जाती है। इंडियन प्रोफेशनल्स इस कंट्री में एवरेज सैलरी के रूप में करीब 80,000 यूरो से लेकर 1 लाख यूरो पर ईयर कमा सकते हैं और इस एवरेज सैलरी की वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 70 से लेकर 88 लाख तक होती है। आपको इतनी बड़ी सैलरी इस कंट्री के अंदर काफ़ी आसानी से मिल जाती है, तो उसके लिए आपको इस कंट्री के अंदर मौजूद फाइनेंस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर काम करना होगा, तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा हायर सैलरी मिलती है। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और क्लाउड इंजीनियर्स को भी इस कंट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। नंबर 1, जर्मनी। दोस्तों, आज के समय जर्मनी कंट्री को एक काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर विदेशी नागरिक काफ़ी आसानी से जाकर जॉब ले सकते हैं। जब बात होती है कि आपको इस कंट्री के अंदर एवरेज सैलरी के रूप में कितने पैसे मिलते हैं, तो उस कंडीशन में इंडियन प्रोफेशनल इस कंट्री में एवरेज सैलरी के रूप में करीब 55,000 यूरो से लेकर 70,000 यूरो पर ईयर कमा सकता है और इतनी सैलरी आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस सेक्टर के अंदर दी जाती है और जब इस सैलरी को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू करीब 48 लाख से लेकर 61 लाख से भी ज़्यादा की होती है। साथ ही जर्मनी के अंदर स्किल्ड वर्कर्स को भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है क्योंकि जर्मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। दोस्तों, ये थी यूरोप के अंदर मौजूद कुछ ऐसी बेस्ट कंट्री जहाँ पर इंडियन प्रोफेशनल्स को सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स काफ़ी आसानी से इस कंट्री के अंदर जाकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस कंट्री में जाना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूँगा
आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।